हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 16 जनवरी 2024 और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 16 जनवरी 2024 से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। तो पहला अपडेट है, हाल ही में समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल यानी कि DG के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा सेतु, जिसे अटल सेतु का नाम भी दिया गया है, इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, CREA की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट शहर 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारतीय नौसेना को पहला ड्रोन सौंपा है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में MJ अकबर द्वारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, आगे हम इनको एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल यानी कि DG के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS ऑफिसर समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है और वह पिछले 2.5 साल से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा कुछ और ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति हुई है। संजीव कुमार जिंदल, जो वर्तमान में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, उन्हें रक्षा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS ऑफिसर भरत हरबंस लाल खेड़ा को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा IAS ऑफिसर चंद्रभूषण कुमार को पेयजल और स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन के एडिशनल सेक्रेटरी के सांसद मिशन डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पूजा सिंह मंडोल को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और इसके अलावा तृप्ति गुराह को महिला और बाल विकास मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा सेतु यानी अटल सेतु का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। अब इस ब्रिज की कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें, यह ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा और इससे 2 घंटे की दूरी का सफर 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले इस ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता था, यानी इस उद्घाटन से पहले इसको मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक ही कहा जाता था। इस पुल का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में और जबकि 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। इस पुल को बनाने में 1.78 लाख मीट्रिक टन स्टील और 5.04 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया गया है। ब्रिज पर 400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और पक्षी और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर और एडवांस लाइटिंग की गई है। ब्रिज पर मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन, ऑटो और ट्रैक्टर नहीं चल सकेंगे। 4-व्हीलर, मिनी बस और 2XL व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, CREA की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट शहर 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्निहाट शीर्ष पर है और इसी क्रम में दूसरे नंबर पर है बेगूसराय और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा और दिल्ली सूची में 8वें स्थान पर है। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 18 बिहार के, 8 हरियाणा के और 8 राजस्थान के शहर हैं और वर्ष 2023 में 75% से अधिक दिनों के लिए उपलब्ध वायु गुणवत्ता डेटा वाले 227 शहरों का अध्ययन किया गया था और इन शहरों में से 85 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत शामिल किया गया था। आंकड़ों के अनुसार 85 NCAP शहरों में से 78 में PM10 का स्तर NAAQS यानी कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से अधिक था। तो NAAQS क्या है, तो जैसे कि अपना AQI होता है जो कि एयर क्वालिटी को चेक करता है, नापता है, तो NAAQS भी वही है यानी कि ये भी एयर क्वालिटी को ही चेक करता है। तो इसके अनुसार 85 में से 78 शहरों में PM10 का स्तर जो था वो अधिक था। भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में केवल 7 ही वर्तमान में NCAP के अंतर्गत है। इसके अलावा अगर NCAP की बात करें यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, तो इसे जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में शुरू किया था।
इसके अंतर्गत आधार वर्ष 2017 की तुलना में 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों से पर्टिकुलर मैटर की सांद्रता में 20-30% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई थी। इसमें वे शहर शामिल हैं जो 2011 से 2015 तक निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते थे। सरकार ने अब 2026 तक इन शहरों में पीएम सांद्रता में 40% की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक पी बीर मुथुवेल ने प्राप्त किया है। इंडियन ऑफ द ईयर एक राष्ट्रीय टीवी चैनल CNN न्यूज 18 द्वारा प्रारंभ किया गया है और इंडियन ऑफ द ईयर टेलीविजन पुरस्कार का 13वां संस्करण 10 जनवरी 2024 को 7 मुख्य श्रेणी में दिया गया था और ये मुख्य श्रेणी है व्यवसाय, मनोरंजन, खेल, युवा आइकन, उभरते खेल स्टार, सामाजिक परिवर्तन और जलवायु युद्ध यानी कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने युवा निधि योजना की शुरुआत करते हुए 6 लाभार्थियों को चेक सौंपे और इस योजना के तहत ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट को 3000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता सिर्फ 2 साल के लिए दिया जाएगा और लाभार्थी को नौकरी मिलने के तुरंत बाद ही खत्म हो जाएगा। जिन युवाओं ने उच्च शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं वो इस योजना के पात्र नहीं है। राज्य सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी और सरकार के अनुमान के मुताबिक अगले साल सरकारी खजाने पर इसका 1200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और जबकि साल 2026 के बाद हर साल 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारतीय नौसेना को पहला ड्रोन सौंपा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो हाल ही में हैदराबाद में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरी कुमार की मौजूदगी में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एटीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन मिला है और इस ड्रोन का नाम है दृष्टि 10 स्टारलैंडर और एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है यानी कि UAV है। इस ड्रोन को तैयार करने के लिए इजराइल की डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम के जरिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मदद भी ली गई है और यह ड्रोन एल्बिट सिस्टम के हर्मिस 900 स्टारलैंडर ड्रोन का ही एक वेरिएंट है। यह ड्रोन सभी तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है और लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन को 70% स्वदेशी कंटेंट के साथ बनाए गए हैं और यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का रिजल्ट जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो हाल में केंद्र सरकार ने भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया है। इसमें 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 7वीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा है और सूरत को इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र की नवी मुंबई तीसरे, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे और मध्य प्रदेश का भोपाल 5वें नंबर पर रहा और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवाड़ पहले, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे और महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे स्थान पर रहा। देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। गंगा किनारे बसे साफ शहरों में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर रहा और मध्य प्रदेश के मऊ को सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया। इसके अलावा इस बार कुछ 9500 अंक का सर्वेक्षण हुआ था जिसमें सर्विस लेवल प्रोग्रेस पर 4525, सर्टिफिकेशन पर 2500 और पब्लिक फीडबैक पर 2473 अंक दिए गए। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया और इस बार का इसका विषय था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। इसका लक्ष्य सरकारी प्रयासों का लाभ उठाना, नागरिक समाज और समुदाय को शामिल करना और नवीन जलवायु सेवाएं और परिवर्तन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना था। यह सम्मेलन डिलीवरी पार्टनर UNDP इंडिया, नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल के सहयोग से ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए भारत की रोडमैप की रूपरेखा तैयार की गई थी यानी कि कैसे इंडिया को 2070 तक नेट जीरो तक पहुँचाया जाए यानी कि जीरो कार्बन एमिशन तक पहुँचा जाए इसका रोडमैप तैयार किया गया था। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में MJ अकबर द्वारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो प्रसिद्ध लेखक MJ अकबर ने सह लेखक के नटवर सिंह के साथ गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक लॉन्च की है और यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से उनके नेतृत्व वाले 3 प्रमुख जन अभियानों पर ध्यान केंद्रित करती है। पहला है असहयोग आंदोलन 1920, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को संगठित करने की गांधी जी की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा है
नमक सत्याग्रह 1930, एक चुटकी नमक को औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ प्रतिरोध की प्रतीक में बदलना। और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंत के लिए एक निर्णायक आह्वान। इस पुस्तक में उन तीनों अभियानों के उन महत्वपूर्ण क्षणों को चित्रित किया गया है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और अंततः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट कर दिया। आज का नेक्स्ट अपडेट है, महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क के साथ भारत का पहला और एशिया का पांचवा टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क रात के आकाश की रक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण यानी कि लाइट पॉल्यूशन को कम करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में परिस्थिति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। इसके अलावा अगर डार्क स्काई रिजर्व की बात करें तो डार्क स्काई रिजर्व ऐसे स्थान को नाम दिया जाता है जहां यह सुनिश्चित करने की नीतियां हों कि उस क्षेत्र में न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश का हस्तक्षेप हो। इसमें स्टार नाइट और रात के असाधारण और सुंदर एनवायरमेंटल के स्पेशल फीचर होते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हानले में स्थापित किया गया है। ये डार्क स्काई रिजर्व 1073 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और यह डार्क स्काई रिजर्व समुद्र से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो बस ये थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो चैनल को। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।